आज जो है हमारा टॉपिक है द सब फाइलम हेक्सापोडा। अच्छा जी, सब फाइलम हेक्सापोडा कह रहा है कि इंक्लूड्स एनिमल्स हूज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टैगमेटा। टैगमेटा बोलते हैं सेगमेंट्स। हैव फाइव पेयर्स ऑफ हेड अपेंडिजेस। कह रहा है हेड के अंदर पांच जो है पेयर्स होते हैं अपेंडिजेस के। अपेंडिजेस हम पहले ही बात कर चुके होंगे कि जो मेन बॉडी से स्ट्रक्चर निकले हुए हों, ठीक है, जैसे बाजू टांगे, इसी तरह इनमें हम आगे देखते हैं एंटीनी वगैरह हैं, प्रोबोसिस हैं, ठीक है, वो मेन बॉडी से निकला हुआ होता है। इसी तरह एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन द थॉरेक्स, और थॉरेक्स पर लेग्स के तीन पेयर्स होते हैं। तो ये मतलब हेक्सापोडा की समझने की निशानी है। कह रहा है कि इनका एंटोनेथा एक इसका ग्रुप है, इंक्लूड्स द कोलेम्बोलेंस, प्रोटूरेंस एंड डिप्लूरेंस। ठीक है, ये कह रहा है कि एंटोनेथा एक ग्रुप है हेक्सापोडा का, जिसके अंदर आगे से ये तीन जो है वो ग्रुप्स आते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैव माउथ पार्ट्स दैट आर हिडन इनसाइड द हेड कैप्सूल, दस द क्लास नेम। तो कह रहा है कि इनका जो क्लास नेम, इसीलिए इनको एंथोनेथा कहते हैं कि इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आते बल्कि हेड के अंदर की तरफ होते हैं। इट इज़ प्रॉबेबली नॉट ए मोनोफलेटिक ग्रुपिंग बिकॉज द एंटोनेथन्स माउथ पार्ट्स ऑफ द डिप्लूरेंस आर अपेरेंटली नॉट होमोलोगस टू द माउथ पार्ट्स ऑफ द अदर टू ऑर्डर। तो कह रहे कि ये जो तीन ग्रुप्स अभी हमने बात की कि एंटोनेथा में तीन ऑर्डर हैं, कौन कौन से, कोलेम्बोलेंस, प्रोटूरेंस और डिप्लूरेंस। तो कह रहे कि इन तीनों की शायद इंसेस्टर डिफरेंट हैं, ये मोनोफिलेटिक ग्रुप नहीं है, डिफरेंट इंसेस्टर हैं इनके, क्योंकि जो डिप्लूरन के जो माउथ पार्ट हैं वो बाकी दोनों से डिफरेंट हैं। इसका मतलब कि इन तीनों का इंसेस्टर कॉमन नहीं है, ये पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स हैं। इसी तरह इंसेक्टा इसकी क्लास है। तो कह रहे हैं इंसेक्टा इंक्लूड्स द 30 ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टा के अंदर 30 ऑर्डर हैं, ठीक है, और आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर जो हैं वो मेंशन है। दे आर ऑल कैटराइज बाई माउथ पार्ट्स दैट प्रोजेक्ट फ्राम दी हेड कैप्सूल। तो इंसेक्टा की खूसियत क्या है कि इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो हेड से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ए न्यू इंसेक्ट ऑर्डर, ठीक है, मेंटोफेसमेटोडिया इज द फर्स्ट न्यू इंसेक्ट ऑर्डर टू बी डिस्क्राइब्ड सिंस 1914। तो कह रहे हैं 1914 के बाद सिर्फ एक ऑर्डर का इजाफा हुआ है अभी तक क्लास इंसेक्टा के अंदर। अब हम पहले बात करते हैं क्लास इंसेक्टा की। मेंबर्स ऑफ द क्लास इंसेक्टा आर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी क्लास के जो जानदार हैं वो सबसे ज़्यादा खुशकी पर सक्सेसफुल हैं, तो वो क्लास इंसेक्टा है। ठीक है, तादाद के लिहाज से भी और स्पीशीज की तादाद के लिहाज से भी। ठीक है, अब इन स्पाइट ऑफ ऑब्वियस डाइवर्सिटी कॉमन फीचर्स मेक इंसेक्ट्स इजी टू रिकॉग्नाइज। कहने कुछ ऐसे फीचर हैं जिससे आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये इंसेक्टा हैं या नहीं है। मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड वन पेयर ऑफ एंटीनी एंड वर्चुअली ऑल अडल्ट्स हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स। ये इनकी दो तीन अलामत हैं। ज़्यादातर में विंग्स होते हैं, फिर इनमें वन पेयर ऑफ एंटीनी का एक पेयर ज़रूर होता है और अडल्ट के अंदर तीन पेयर ऑफ लेग ज़रूर होते हैं। ठीक है, ये इनकी निशानी है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री टैगमेटा। टैगमेटा सेगमेंट को कहते हैं। हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमिन। द हेड बियर्स ए सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी। हेड पे एक एंटीनी का पेयर है, फिर माउथ पार्ट्स हैं, कंपाउंड आईज हैं, ठीक है, एंड जीरो टू और थ्री ओसिलाई। ओसिलाई होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो कहता है कि आप नहीं होते या दो होते या तीन होते हैं। द थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स। थॉरेक्स में तीन सेगमेंट हैं। दे आर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे की तरफ
पहला होगा प्रोथोरेक्स, फिर है दरमियान वाला मीजोथोरेक्स और पीछे वाला मेटाथोरेक्स। वन पेयर ऑफ लेग्स अटैचेस अलॉन्ग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ ईच थोरेसिक सेगमेंट। कह रहा कि एक पेयर जो लेग का है वो इन तीनों जो सेगमेंट्स हैं प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स इनके साथ अटैच होता है। कह रहा कि एंड ए पेयर ऑफ विंग्स व्हेन प्रेजेंट अटैचेस टू द डॉर्सोलेटरल मार्जिन ऑफ द मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। कह रहा अगर तो विंग्स मौजूद हों तो वो डॉर्सोलेटरल, डॉर्सल मतलब जो हमारी बैक साइड है, डॉर्सल साइड, और लेटरल दाएं बाएं, मतलब थोड़ा सा डॉर्सल साइड पे लेकिन दाएं बाएं वाली साइड पे विंग्स अटैच होते हैं। कौन से हिस्सों पे? मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स वाले हिस्से पे। विंग्स हैव थिकंड हॉलो वेन्स फॉर इंक्रीज स्ट्रेंथ। कहते विंग्स के अंदर आपने अगर इनकी विंग्स देखी हो, ठीक है, आम फ्लाइज की भी, तो उनके अंदर वेन्स हैं, ठीक है। द थॉरेक्स ऑल्सो कंटेन टू पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स विच आर ओपनिंग्स टू द ट्रेकियल सिस्टम। क्या जो थॉरेक्स है इसमें दो पेयर स्पाइरिकल्स के भी होते हैं, ठीक है, और जो कि ट्रेकियल सिस्टम वैसे जिसके जरिए ये रेस्पिरेशन करते हैं, स्पाइरिकल के जरिए ये रेस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 10 और 11 अबडोमिनल सेगमेंट्स। ऐसे जो अबडोमिन हैं उसमें 10 से 11 सेगमेंट होते हैं, ईच ऑफ विच हैज ए लेटरल फोल्ड इन द एक्सोस्केलेटन दैट अलाउज द अबडोमिन टू एक्सपेंड व्हेन द इंसेक्ट हैज गॉर्ज्ड इटसेल्फ और व्हेन इट इज फुल ऑफ मैच्योर एग्स। कह रहे कि 10 से 11 सेगमेंट होते हैं जिनमें लेटरल फोल्ड इन द एक्सोस्केलेटन, उनके जो एक्सोस्केलेटन है उसके दाएं बाएं वाली साइड पे मतलब फोल्ड बनते हैं, वो एक्सोस्केलेटन फोल्ड होता जाता है, ठीक है। जो 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 है अब्डोमिन एक्सपेंड करता है, ठीक है, या उसके अंदर जो वो एग्स बनते हैं तो उसका साइज बड़ा होता है तो एक्सोस्केलेटन की फोल्डिंग बन जाती है। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट हैज ए पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। ठीक है, हर अब्डोमिनल सेगमेंट में एक पेयर ऑफ स्पाइरिकल होता है। Also present are genital structures used during copulation and egg deposition and sensory structures called cerci। तो कह रहे इसी तरह segments के अंदर जो है वो उनके genital reproductive structure भी पाए जाते हैं, ठीक है, और जो के copulation में मतलब mating में involved होते हैं और egg deposit करने में role play करते हैं। इसके अलावा sensory structure भी पाए जाते हैं जिनको cerci कहते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन अबडामिनल सेगमेंट्स ऑफ सर्टन इमेच्योर एक्वेटिक इंसेक्ट्स। क्या जो जो इनके इमेच्योर स्टेजेस हैं, इमेच्योर से मुराद जो लार्वे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटो का भी लार्वा होता है वो पानी में पाए जाते हैं, तो कह रहे हैं उनमें गिल्स होते हैं, गिल्स सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। ये आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। आगे से अगर स्टार्ट करते हैं दाईं तरफ से तो आप देख सकते हैं कि एंटीनी का एक पेयर है, ठीक है, सिंगुलर के लिए एंटीना कहेंगे, ठीक है, एक पेयर होता है। ये हेड दिखाया हुआ है, फिर उसके माउथ पार्ट्स के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ठीक है, लेब्रम है, मैंडिबल है, मैगजिला है, लेबियम है, ये सारे माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसकी प्रोथोरेसिक लेग है, थॉरेक्स तीन हिस्सों में जो डिवाइड होता है, फिर मीजोथॉरिक्स लेग है और पीछे वाली मेटा थोरेसिक लेग है, फिर स्पाइरिकल्स हर सेगमेंट में हैं, ठीक है, फिर अबडामिन जो पीछे वाला ऐसा है उसमें, फिर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं और विंग्स, आप देख सकते हैं विंग्स के ऊपर वेन्स भी नज़र आ रही हैं। अब फ्लाइट की बात करें तो कहें इंसेक्ट्स मूव इन डाइवर्स वेज। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव फ्लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंसेक्ट लोकोमोशन। इंसेक्ट्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइपोथेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ फ्लाइट स्टेट्स दैट विंग्स मे हैव इवॉल्व फ्रॉम रिजिड लेटरल आउट ग्रोथ ऑफ द थॉरेक्स दैट प्रोबेबली प्रोटेक्टेड द लेग्स और स्पाइरिकल्स। कह जो इंसेक्ट्स हैं जो सबसे पहले जो जिन एनिमल्स ने फ्लाई करना शुरू किया वो इंसेक्ट्स हैं। कह रहे कि एक हाइपोथेसिस है कि उन्होंने फ्लाइट कैसे शुरू की, वो ये हाइपोथेसिस है कि जो विंग्स हैं वो कैसे बने,
वो बने हैं कहना कि रिजिड सख्त लेटरल आउट ग्रोथ ऑफ थॉरिक्स, कि थॉरिक्स में एक आउट ग्रोथ मतलब उभार बने शुरू में, ठीक है, जो कि लेग्स को और स्पाइनल की प्रोटेक्शन के लिए उभार बने पहले थॉरिक्स के ऊपर। फिर क्या हुआ कि लेटर दीज फिक्स लोब्स कुड हैव बीन यूज्ड इन ग्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप्स ऑफ टॉल प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर। कह रहे हैं वो जो बार बन गए थे दाएं बाएं लेटरल साइड पे, वो फिर बाद में ग्लाइडिंग का काम करने लगे। ग्लाइडिंग आपने शायद देखा होगा कि ह्यूमंस भी करते हैं, वो एक बिल्कुल समझ लें कि उसके साथ वो लटक के पहाड़ ऊंची जगह से वो छलांग लगाते हैं, ठीक है, वो दाएं बाएं की तरफ फैली होता है, ठीक है, और उसके साथ वो लटक के मूव फ्लाई करते हैं, उसको ग्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि ये जो आउट ग्रोथ थे जो बने थे लेग्स की और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाद में इनको ग्लाइडिंग के लिए यूज करने लग गए इंसेक्ट ने। द एबिलिटी ऑफ द विंग टू फ्लैप टिल्ट एंड फोल्ड बैक ओवर द बॉडी प्रोबेबली केम लेटर। और ख्याल है कि बाद में फिर वो जो ग्लाइड करने लग गए, फिर बाद में वो आस्ता आस्ता विंग्स की शक्ल तैयार करके जिसको वो फ्लैप उनके फड़फड़ाना ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं, टिल्ट करना मोड़ना उसको टिल्ट कर सकते थे। और अब आप देखते हैं इंसेक्ट जब बैठते हैं अपने विंग्स को अपनी बॉडी के पीछे फोल्ड, जैसे ऊपर डायग्राम में भी नजर आ रहा है पीछे फोल्ड किया हुआ है। एनदर रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइट वॉज द एवोल्यूशन ऑफ लिमिटेड थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटीज। कह रहे कि थर्मोरेगुलेटरी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने की सलाहियत, ठीक है, शुरू में ये भी नहीं थी। द थर्मोरेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स एट ए लेवल डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन होता ही ये है कि बाहर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना। क्या रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर परहैप्स 25 आर ग्रेटर आर नीडिड फॉर फ्लाइट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली इनफ फॉर फ्लाइट। अगर 25 डिग्री या ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लाइट मसल्स के काम करने के लिए। सम इंसेक्ट्स यूज ए डायरेक्ट और सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म इन विच मसल्स एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द विंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस ए डाउनवर्ड थ्रस्ट एंड मसल्स अटैचिस डॉर्सली एंड वेंट्रली ऑन द एक्सोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस एन अपवर्ड थ्रस्ट। कह रहे कि एक टाइप है फ्लाइट की, उसको बोलते हैं डायरेक्ट या सिंक्रोनस फ्लाइट। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स विंग्स की बेस पर हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे जहाँ पे विंग अटैच है थॉरस के साथ, तो वहाँ पे जो मसल हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो विंग डाउनवर्ड थ्रस्ट में नीचे की तरफ आते हैं, और वो मसल जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो विंग है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। द सिंक्रोनी ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म्स डिपेंड्स ऑन द नर्व इम्पल्स टू द फ्लाइट मसल्स दैट मस्ट प्रीसीड ईच विंग बीट। कहने जो सिंक्रोनी है, सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे एक तरतीब से मिलके आप डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म डिपेंड करता है किस पर, नर्व इम्पल्स पर जो फ्लाइट मसल्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है, ताकि वो एक तरतीब से एक सीक्वेंस से वो ऊपर नीचे जो है वो विंग्स मूव कर सकें। बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज ग्रास होपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स विद अ सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म। तो कह रहे हैं इन इंसेक्ट्स के अंदर जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट या सिंक्रोनस फ्लाइट होती है। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ठीक है, या आपकी बुक में भी है, ठीक है, तो जो मसल्स हैं वो उसके अंदर जो वो डायरेक्ट या सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म को दिखाया हुआ है, ठीक है, तो जो मसल्स हैं जो ए डायग्राम है ऊपर उसमें वो डाउनवर्ड मूवमेंट में जो मसल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और जो बी डायग्राम है नीचे वाली वहाँ पे उसने दिखाया होगा कि जो मसल्स हैं जो उसको रिलैक्स करते हैं, और ए सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म या इनडायरेक्ट है जो बी है, इसको हम आगे देखते हैं कि जो ए सिंक्रोनस या इनडायरेक्ट कैसे होती है। क्या जो इनडायरेक्ट या सिंक्रोनस मैकेनिज्म है कि मसल्स एक्ट टू चेंज द शेप ऑफ द एक्सोस्केलेटन।
फॉर बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विंग स्ट्रोक्स, जो एक्सोस्केलेटन की शेप को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। डार्सोवेंट्रल मसल्स पुलिंग द डार्सल एक्सोस्केलेटन, जिसको टर्गम कहते हैं, डाउनवर्ड, प्रोड्यूस द अपवर्ड विंग थ्रस्ट। ये अब इनडायरेक्ट है, मतलब पहले जो डायरेक्ट थी उसमें क्या था कि मसल डायरेक्टली विंग्स को ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, अब क्या है कि जो मसल्स हैं वो एक्सोस्केलेटन को ऊपर नीचे करते हैं और एक्सोस्केलेटन के साथ आगे विंग्स अटैच हैं। मतलब अब मसल डायरेक्ट विंग्स को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, बल्कि मसल्स करते हैं एक्सोस्केलेटन को ऊपर नीचे, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन के आगे अटैच हैं विंग्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो डार्सो वेंट्रल मसल्स हैं, जो डार्सल वेंट्रल साइड पे हैं मसल्स, वो डार्सल एक्सोस्केलेटन, जो बॉडी की डार्सल साइड पे एक्सोस्केलेटन है जिसको टर्गम कहते हैं, उसको डाउनवर्ड वो खींचते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके साथ जो विंग्स अटैच हैं वो विंग्स ऊपर की तरफ मूव होंगे। इसी तरह द डाउनवर्ड थ्रस्ट अकर्स व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज द एक्सोस्केलेटन टू आर्क अपवर्ड। कह रहे इसी तरह जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एक्सोस्केलेटन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो विंग्स हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाली डायग्राम में हमने देखा था, ठीक है। तो डिफरेंट जो मसल्स मूव करते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाले डायग्राम में था कि वहां पे जो मसल्स हैं डार्सोवेंट्रल, ठीक है, जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो विंग्स ऊपर मूव कर रहे हैं और एक्सोस्केलेटन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी डायग्राम है राइट साइड पे, बी डायग्राम, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो एक्सोस्केलेटन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे एक्सोस्केलेटन रेड कलर में जो आउटलाइन दिखाई हुई है वो ऊपर की तरफ गई है और विंग्स जो है वो नीचे की तरफ आई हैं। कह रहे द रेजिलियंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सोस्केलेटन एनहांस द पावर एंड वेलोसिटी ऑफ दी स्ट्रोक्स। ठीक है, कि जो एक्सोस्केलेटन की जो कह रहे हैं कि जो रेजिलियंट प्रॉपर्टीज हैं ये क्या करती है, ये पावर और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रोक को बढ़ाती है। ठीक है, ड्यूरिंग ए विंग बीट द थॉरेक्स इज डीफॉर्म्ड स्टोरिंग एनर्जी इन द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, कह रहे हैं कि जब विंग्स बीट करते हैं, मतलब पावर को वो फड़फड़ाते हैं, तो थॉरेक्स की शेप चेंज होती है जिससे एनर्जी है वो एक्सोस्केलेटन में जमा हो जाती है। एट ए क्रिटिकल पॉइंट मिड वे इन द डाउन स्ट्रोक स्टोर्ड एनर्जी रीचेज ए मैक्सिमम। जब वो नीचे की तरफ विंग आ रहा होता है तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अपनी मैक्सिमम में पहुंच जाती है। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस टू विंग मूवमेंट सडनली डिक्रीज, और जो विंग की मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस थी उसकी एक्सोस्केलेटन की वो भी कम हो जाती है। द विंग देन क्लिक्स थ्रू द रेस्ट ऑफ द साइकिल। तो क्या जो रिमेनिंग साइकिल है, ठीक है, उसमें वो ऑटोमेटिकली एक लिहाज से हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी जो है वो रेजिस्टेंस भी खत्म हो गई है, एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई है, यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सोस्केलेटन, उस एनर्जी को फिर यूज करते हैं। एसिंक्रोनी ऑफ दिस फ्लाइट मैकेनिज्म अराइजेस फ्रॉम द लैक ऑफ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नर्व इंपल्सिस एंड विंग बीट्स। तो क्या जो इन एसिंक्रोनी है, एसिंक्रोनी का मतलब क्या है कि वो इकट्ठे नहीं कर रहे, यक बारगी नहीं कर रहे या तरतीब से नहीं कर रहे। ठीक है, तो एसिंक्रोनी ऑफ दिस फ्लाइट मैकेनिज्म अराइजेस फ्रॉम द लैक ऑफ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नर्व इंपल्स। कह रहे कि इसमें नर्व इंपल्स और विंग बीट की आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं है। ठीक है, उन्होंने पहले बात की कि जो नर्व इंपल्स है वो मसल तक आएगी, मसल एक्सोस्केलेटन को करेगा, शेप चेंज करेगा और एक्सोस्केलेटन आगे विंग्स की मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इस लिहाज से इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं या एसिंक्रोनस फ्लाइट कहते हैं। कह रहे सिंगल नर्व इंपल्स कैन रिजल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली 50 साइकिल्स ऑफ द विंग। तो कह रहे थे सिर्फ अगर एक जो है नर्व इंपल्स, मतलब सिर्फ एक उसको ऑर्डर मिला है, नर्व इंपल्स जब वो लेके आई है कि जी विंग्स को मूव करवाना है, तो एक नर्व इंपल्स जो है वो कह रहे कि 50 साइकिल्स ऑफ विंग्स
के लिए काफ़ी है, ठीक है। मतलब एक दफ़ा इंफॉर्मेशन आई है और क्या होगा कि वो 50 दफ़ा मसल जो हैं वो विंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 1000 साइकल्स पर सेकंड, ठीक है, हैव बीन रिकॉर्डेड इन सम मिजिस। तो कह रहे कुछ के अंदर एक सेकंड में वो 1000 दफ़ा उनके जो विंग्स हैं वो उनका साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब ऊपर नीचे होते हैं। द ए सिंक्रोनी बिटवीन विंग बीट एंड नर्व इम्पल्सिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्लाइट मसल्स बींग स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द क्लिक ऑफ द थॉरेक्स। क्या जो ए सिंक्रोनी है किस किस के दरमियान, विंग बीट जब विंग मूव करते हैं, नर्व इम्पल्सिस वो डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन फ्लाइट मसल्स, वो फ्लाइट मसल्स पर डिपेंड करते हैं, बींग स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द क्लिक ऑफ द थॉरेक्स, ठीक है। जब थॉरेक्स क्लिक करते हैं, मतलब क्लिक से मुराद क्या है, वो हमने पहले बात की कि जब थॉरेक्स में जो है उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, मिनिमम हो जाए उसकी रेजिस्टेंस, और उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। तो उसको वो टर्म यूज के क्लिक, मतलब अब उसने क्लिक कर लिया, वो मतलब स्टार्ट हो गया है। द स्ट्रेचिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्लाइट मसल्स ड्यूरिंग द अपवर्ड बीट ऑफ द विंग इनिशिएट्स द सब्सिक्वेंट कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स। तो कह रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लाइट मसल जब स्ट्रेच होते हैं, जब मतलब विंग ने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो जो इनको अपवर्ड मूव करवाते हैं विंग को। सिमिलरली स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द डाउनवर्ड बीट ऑफ द विंग इनिशिएट्स सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्सोवेंट्रल फ्लाइट मसल। और जब डाउनवर्ड करना है तो फिर कौन से मसल स्ट्रेच होंगे, वो डार्सोवेंट्रल फ्लाइट मसल्स हैं। नीचे आने के लिए डार्सोवेंट्रल मसल इन्वॉल्व होते हैं और अपवर्ड थ्रस्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कह रहे हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स। तो इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं जो अभी हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल हों या डार्सोवेंट्रल हों, उनको फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स कहते हैं। फ्लाइज एंड वैस्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स विद एन एसिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म। क्या जितनी भी फ्लाइज हैं, ये कॉमन हाउस फ्लाई हो गई, ठीक है, मॉस्किटोज हो गए, जितने फ्लाइज आप जानते हैं, और वैस्प जो भेड़े हैं, ये सारी इनडायरेक्ट फ्लाइट करते हैं। सिंपल फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इज नॉट इनफ फॉर फ्लाइट। क्या ये नहीं है कि सिर्फ परों को फड़फड़ा लिया और वो उड़ना शुरू हो गए, ठीक है, बल्कि क्या होता है, टिल्ट ऑफ द विंग मस्ट बी कंट्रोल्ड टू प्रोवाइड लिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल प्रोपल्शन। कह रहे हैं कि इसके अलावा टिल्ट के जो विंग्स हैं उनका झुकना, टिल्ट का लफ्ज़ मतलब होता है झुकना, मुड़ना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो टिल्टिंग है ये क्या कहते हैं, लिफ्ट उनको ऊपर की तरफ मूव करवाती है। अगर ये विंग्स को थोड़ा सा टिल्ट ना करें, ठीक है, तो उनको ये ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकते, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल प्रोपल्शन, हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ, जो प्रोपल्शन का मतलब होता है कि आगे की तरफ एक धकेलना, एक पुश करने की जो कुवत है। इन मोस्ट इंसेक्ट्स मसल्स दैट कंट्रोल विंग टिल्टिंग अटैच टू स्क्लेरोटराइज प्लेट्स एट द बेस ऑफ द विंग। क्या कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स में वो मसल जो विंग्स को टिल्ट करवाते हैं, टिल्ट करवाते हैं मतलब मोड़ते हैं इनको, ठीक है, झुकाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो स्क्लेरेटराइज, स्क्लेरा वैसे बोलते हैं छिलके को, लफ्ज मतलब होता है, प्लेट्स होती है बिल्कुल छोटे छोटे ना प्लेट्स होती हैं विंग्स की बेस पर, ठीक है, तो वहाँ भी मसल्स पाए जाते हैं जो विंग्स को टिल्ट करते हैं, ठीक है, उनका झुकाओ जिस इनको ऊपर की तरफ फ्लाइट मिलती है, ऊपर उठते हैं, ठीक है, या दाएं बाएं उन्हें मूव करना है, तो वो इन मसल्स की मदद से। अब हम नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले हम बात कर देंगे अदर फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन के, फ्लाइट के अलावा भी ये लोकोमोशन दायरे करते हैं, सिर्फ फ्लाई ही नहीं करते इंसेक्ट जो हैं। इंसेक्ट्स वॉक भी करते हैं, रन, जंप और स्विम अक्रॉस द ग्राउंड और अदर सबस्ट्रेट्स। व्हेन दे वॉक
insects have three or more legs on the ground at all times. टोटल की लेग्स कितनी है? थ्री पेयर्स हैं. पेयर से मुराद टोटल छह लेग्स हैं, ठीक है ना. तो कह रहे हैं कि उनमें से तीन या तीन से ज्यादा जो लेग्स हैं वो एक वक्त में जमीन के साथ टच की होती हैं. क्रिएटिंग ए वेरी स्टेबल स्टांस, जिससे इनकी बॉडी स्टेबल होती है. व्हेन दे रन फ्यूवर देन थ्री लेग्स मे बी इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड. जब ये दौड़ते हैं तो तीन से कम लेग्स जो है वो जमीन से टच करती हैं, बाकी हवा में होती हैं. ए फ्लीइंग काक्रोच, काक्रोच की किस्म है, ऑर्डर ब्लेटेरिया है काक्रोच का. रिचिस स्पीड्स ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से चल सकता है. ऑल दो इट सीम्स मच फास्टर वेन ट्राइंग टू कैच वन, कह रहे लेकिन जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है ये बहुत तेज भाग रहे हैं. ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर ना होने के बराबर है. पैदल हम चलें तो आप बाइक 5 किलोमीटर 5 की स्पीड में लेके जाएं तो वो कुछ भी नहीं है बताए. कहते अपेरेंट स्पीड इज द रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू क्विकली चेंज डायरेक्शन, लेकिन हमें जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है बड़ा तेज दौड़ है. कहते हैं वो क्यों, वो छोटे साइज में है. ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से हमें लगता है बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है हमारे एक कदम के बराबर वो चल रहा हो पूरा एक मिनट लगा के. ठीक है ना, तो वो छोटे साइज से हमें तेज दिखाई देता कि तेज मूव कर रहे हैं, और फिर वो अपनी डायरेक्शन बड़ी तेज से चेंज करते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद ये बड़ा तेज जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, जंपिंग इंसेक्ट्स जो हैं सच एज ग्रास हॉपर्स, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है इनका, यूजली हैव लॉन्ग मेटाथोरेसिक लेग्स इन विच लेग मस्कुलेचर इज एनलार्ज टू जनरेट लार्ज प्रोपल्सिव फोर्सेस. इनकी जो लेग्स हैं आपने देखा होगा आजकल ग्रास हॉपर का बहुत ज़्यादा चर्चा भी है मीडिया में कि इनकी जो लेग है उसमें मस्कुलेचर है, थोड़ी सी लार्ज मसल्स वाजे नजर आते हैं क्योंकि इसने जंप करना होता है. एनर्जी फॉर ए फ्लीज जंप इज स्टोर्ड एज इलास्टिक एनर्जी ऑफ द एक्सोस्केलेटन. इसलिए एक फ्ली है जिसको हम पिस्सू कहते हैं उर्दू में, पिस्सू फ्ली को. तो कह रहे हैं ये भी जंप करता है तो उसमें भी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. मसल्स दैट फ्लेक्स द लेग्स डिस्टॉर्ट द एक्सोस्केलेटन, क्या जो मसल्स हैं वो जो मतलब इन लेग्स के अंदर मसल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन की शेप को चेंज करने में मदद करते हैं. कैच मैकेनिज्म होल्ड द लेग्स इन दिस कॉक्ड पोजिशन अनटिल स्पेशल मसल रिलीज द कैचेज एंड अलो द स्टोर्ड एनर्जी टू क्विकली एक्सटेंड द लेग्स. देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्प्रिंग को दबा दें, स्प्रिंग को आपने दबाया और फिर आप उसको एकदम छोड़ेंगे तो वो उछल के जो वो दूर जाएगा. यही हिसाब है, कह रहे कि इनकी जो लेग है वो पहले कॉक्ड पोजीशन, कॉक्ड मीन वो जैसे आप प्रेस करें स्प्रिंग को, वो उसको उस पोजीशन को कॉक्ड पोजीशन कहा. अनटिल स्पेशल मसल्स रिलीज द कैचेस, तो दूसरे जो मसल हैं वो उस जो प्रेस हुई लेग को रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है और लेग्स जो हैं वो उछल के सीधी होती हैं. ठीक है ना, दिस एक्शन हर्ल्स द फ्ली फॉर डिस्टेंसेज दैट एक्सीड 100 times इट्स बॉडी लेंथ. उसकी मदद से जो फ्ली है वो एक लंबी छलांग लगाता है अपनी जो उसकी बॉडी का साइज उससे 100 गुना दूर का फासला वो एक जंप में तय कर लेता है. मतलब जैसे इंसान अगर अपने समझने के हमारा जितना साइज है, हम अपने साइज अगर 5 फुट का इंसान है तो वो 100 गुना फासला तय करे तो वो अच्छा खासा फासला बन जाता है. ए कंपेरेबल डिस्टेंस फॉर ए ह्यूमन लॉन्ग जंपर वुड बी द लेंथ ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड. तो कह रहे अगर इंसान हो तो अपने साइज के लिहाज से जंप लगाएं जैसे फ्ली लगाते हैं तो फुटबॉल के 2 ग्राउंड जितनी एक छलांग हो हमारी. अगर हम भी 100 गुना अपनी बॉडी के हिसाब से जंप लगाएं तो फुटबॉल के 2 ग्राउंड जो हैं वो हम पार कर दें एक ही छलांग में. ठीक है, अगर हम इसी को जेन में रखें तो